बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम मीडियर स्टूडेंट्स हम बीएससी का मैथमेटिक्स एडीपी बीएस ऑनर्स एस एम यूसफ का चैप्टर नंबर थ्री इनडिटर्मिनेंट फॉर्म एंड जनरल थ्योरम वाला चैप्टर जो है वो कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन कर रहे हैं आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से करूँगा स्टेटमेंट ये है कि एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इसका आंसर एक्स आता है अगर एक्स लेस देन आर इक्वल टू वन है इसका आंसर एक्स आता है अगर एक्स ग्रेटर देन वन है डज द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड क्या मीन मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगा वन बाई टू से लेकर टू तक ठीक है तो वन बाई टू से लेकर टू तक किसी एक पॉइंट के ऊपर भी जो है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो हम कह देंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड अब यहां पे देखें जो फंक्शन हमारे पास है वो डिफाइन किया गया है लेस देन इक्वल टू वन और ग्रेटर देन इक्वल टू वन के ऊपर तो हम क्या करेंगे इसको one के ऊपर जो है वो चेक करके देखते हैं एफ ओफेक्स की दो वैल्यूज है मेरे पास एफ ओफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्सर आता है ये आंसर तब तो आता है अगर एक्स वन से छोटा हो या बराबर हो इसका आंसर एफ आता है एक्स आता है अगर एक्स वन से बड़ा हो ठीक है मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एफ को जो है ये क्या होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी तो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं फर्स्ट वी चेक द कंटिन्यूटी

वन को क्यों इंतखब किया क्योंकि लेस देन वन और ग्रेटर देन वन के ऊपर मेरे पास फंक्शन की ये वैल्यूज मौजूद हैं अब फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है अब फंक्शन को हम कहेंगे कि ये कोई फंक्शन है इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए अगर एट डायरेक्ट आप एक्स की जगह पे ए पुट करें और फिर लिमिट निकालें लेमाट एक्स अप्रोचिज टू ए एफ ऑफ एक्स अगर दोनों का आंसर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए और इससे मुराद क्या होती है लिमाट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स अगर लेफ्ट हैंड लिमट और राइट हैंड लिमट बराबर हों लेफ्ट लिमा एक्स अप्रोच टू ए माइनस ए माइनस एफ ओ फैक्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचिस टू ए प्लस अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है ठीक है तो आइए इसको चेक करते हैं पहले हम f ऑफ वन की वैल्यू निकालते हैं जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू इक्वल टू यहां पे यूज हो रहा है तो लिहाजा फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स के लिए हम क्या चूज करेंगे एक्स स्क्र इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू वन वो किसके बराबर आ गई वन का स्क्वेयर विच इज इक्वल टू वन नाउ वी फाइंड नाउ वी फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू वन एफ ऑफ एक्स उसके लिए हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और राइट हैंड लिमिट देखेंगे और देखेंगे क्या आंसर इसका बराबर आता है लेफ्ट हैंड लिमिट से मुराद क्या है लिमिट एक्स अप्रोचिसन में से थोड़ा सा कम लेस देन वन तो एक्स लेस देन वन कब होता है जब एक्स लेस वन होता है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आता है एक्स स्क्वायर तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे ये वाला लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन माइनस एक्सकेर और इसकी जगह पे जब वन पुट किया तो आंसर किसके बराबर आ गया वन अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट और देखते हैं कि व्हाट विल बी ओवर आंसर यहां पे कर दूं मैं ये देखें ये जगह मेरे पास है राइट हैंड लिमिट निकालते हैं राइट हैंड लिमिट से मुराद लिमिट एक्स अप्रोचिस टू वन प्लस वन प्लस से मुराद क्या है ग्रेटर देन वन जब एक्स ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन क्या है एक्स के बराबर लिमिट एक्स अप्रोचिस टू वन प्लस एक्स अब एक्स की जगह पे वन पुट किया तो आंसर आया वन तो देयरफॉर फोर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और यह निकलाया लिमिट एक्स अप्रोच इज टू वन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गई वन के बराबर आ गई ठीक है अब हम इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं जी आइए अब डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करते हैं नाउ वी चेक द डिफ्रेंशियबिलिटी डिफ्रेंशियबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू वन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है एल एफ डैश ऑफ एज इक्वल टू लिमट एक्स अप्रोचिस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ओवर एक्स माइनस एट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर चेक कर रहे हैं हम ठीक 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 उसके बाद फिर जब वन के ऊपर चेक करेंगे तो फार्मूला क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट वन इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन ओवर एक्स माइनस वन अब हमने दोनों में से फंक्शन चूज करना है एक तो ये है और एक ये है वन माइनस का मतलब है लेस देन वन और जब लेस देन वन है तो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स स्क्र तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आया एक्स स्क्र के बराबर तो एफ ऑफ वन किसके बराबर आ गया वन के बराबर आ गया तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया लिमिट एक्स अप्रोचिस टू वन माइनस माइनस वन ओवरस वन इसको सिंपलीफाई करें लिमिट एक्स अप्रोचिस टू वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन फैक्ट्राइजेशन कर दी ऊपर ये इसके साथ खत्म फिनिश लिमिट एक्स ज टू वन माइनस एक्स प्लस वन जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे वन प्लस वन आंसर इज टू तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका आ गया टू के बराबर अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा लिमिट एक्स अप्रोचिज टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए पहला चैप्टर आपको याद होगा पहले चैप्टर के जो हैं ये लेक्चर अपलोड हो चुके हुए हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं वन प्लस का मतलब क्या है ग्रेटर देन वन और अगर एक्स ग्रेटर देन वन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन तो ये आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन कट गया बर्नॉल लगाइए वन प्लस वन विच इज इक्वल टू वन तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये दूसरी कंडीशन होल्ड नहीं करती इसलिए हम क्या कहेंगे कि मीन वैल्यू थ्योरम डज नॉट होल्ड ठीक है एक ही पॉइंट के ऊपर चेक करके हमने बता दिया देयरफॉर मीन वैल्यू थ्यूरम ड नॉट होल्ड राइट राइट क्वेश्चन नंबर 18 है लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजियर अप्लाई रोल रोल सीरम रोल सीरम तो इसका मतलब है कि रोल सीरम तो तभी अप्लाई होता है ना अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी हो डिफ्रेंशियबल भी हो तो इट मीन दैट इट शुड बी कंटिन्यू एंड डिफरेंशियबल रोल्स अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन के ऊपर टू ऑबटेन ए रिजल्ट दैट जर्नलाइज मीन वैल्यू थ्योरम और ऐसा रिजल्ट बनाना है जो मीन वैल्यू थ्योरम को जर्नलाइज करे डस द रिजल्ट होल्ड इफ एन इज नेगेटिव अगर एक्ट नेगेटिव होगा तो क्या रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं ये हमने बताना है तो गिवन फंक्शन है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ओफ एफ ऑफ बी एक्स की पावर एन ए की पावर एन बी की पावर एन वन 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 एफ ऑफ एक्स इज ये अंडरस्टूड है कि ये कंटिन्यूस भी है इज कंटिन्यूस and differentiable differentiable in the continuous in in continuous in the global interval A B and differentiable differentiable in ओपन इंटरवल ए बी अब एक की कंडीशन चेक करनी है कि आया एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर आते हैं कि नहीं एफ ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा जगह पे ए किया तो ये आ गया एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे ए पुट करते हैं ए की पावर एन ए की पावर एन बी की पावर एन वन 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 अरे वाह ये किसके बराबर आ गया इसके दो कॉलम से आ गए और ये जीरो के बराबर आ गया इसी तरह एफ ऑफ बी देखते हैं हम वो किसके बराबर आएगा एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स की जगह पे बी पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी देन यू हैव बी की पावर एन ए की पावर एन बी की पावर एन वन 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 ठीक 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 अच्छा इसमें सी वन बिकॉज सी वन सी टू आर आइडेंटिकल और आइडेंटिकल इसमें क्या है सी वन एंड सी थ्री आर आइडेंटिकल सी वन सी थ्री आर आइडेंटिकल देयर फोर एफ ऑफ एफ ऑफ बी के बराबर भी आ गया अब ये रोल सूरम की तीनों कंडीशन को सेटिसफाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो के बराबर देअर फोर एफ ऑफ एक्स सेटिसफाई सेटिसफाई ऑल दंडीशन all the conditions of Rolls theorem therefore therefore there exist exist a point C belongs to the open interval A B such that सच that f dash c विल बी इक्वल टू जीरो ठीक हो गया इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर वन है अब रोल सीरम क्या है रोल सीरम ये था कि अगर एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी डिफ्रेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी तो फिर देन देयर एग्जिस्ट और एफ ऑफ एफ ऑफ बी के बराबर हो अगर तीन कंडीशनर सेटिस्फाइड करता हो तो फिर एक पॉइंट होगा सी जो कि इंटरवल ए बी के अंदर बिलोंग करता होगा वहां पे फंक्शन का जो टेंजेंट है वो जीरो के बराबर यानी उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के बराबर होगा अब हमें एफ डाई सी निकालना है डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एफ डैश एक्स किसके बराबर आ गया अब जब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होना तो इसको डिफरेंशियट करने का तरीका है इसकी किसी एक रो को आपने डिफरेंशिएट कर देना है अब इसके अंदर वेरिएबल आ रहे हैं ये कॉन्स्टेंट है तो इसको कॉलम नंबर वन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एफ का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स उसके बाद फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी एक पावर कम करेंगे और वन का डेरिवेटिव जीरो के बराबर आ गया ये एज इट इज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ए की पावर एन बी की पावर एन वन वन अब आगे क्या है एफ डाई सी तो पुट कर दें आप एक्स इज इक्वल टू सी के बराबर एक्स को सी के बराबर हम पुट करेंगे फूट एक्स इज इक्वल टू सी तो ये आ गया एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सम ये सी आ गए इधर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी देन यू हैव एन इन टू सी की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन बी की पावर एन जीरो वन वन एफ डैश सी किसके बराबर है जीरो के बराबर बट एफ डैश सी ये तो जीरो के बराबर है तो लिहाजा ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ जाएगा जीरो के बराबर दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ सी एफ ऑफ एफ ऑफ बी एन सी की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन बी की पावर एन जीरो वन वन ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया जीरो के बराबर आ गया आइए अब इसको डिफरेंश एक्सपेंड करके तो मीन वैल्यू को जनरलाइज करते हैं जी एक्सपेंड करते हैं जी एक्सपेंड फ्रॉम आर वन <laughs> रो वन से हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा एफ डैश सी एन टू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म ए एन माइनस बी एन ए एन माइनस बी एन उसके बाद फिर आएगा माइनस एफ ऑफ ए ब्रैकेट के अंदर आ गया अब ये वाला कॉलम खत्म ये वाली रो खत्म एन सी एन माइनस वन ये कॉलम खत्म ये रो खत्म एनसीएन माइनस वन और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा एन सी एन माइनस वन माइनस जीरो फिर आता है जी एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी इन टू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म एन सी एन माइनस वन और ये जीरो हो गया n c n minus 1 minus 0 is equal to 0 this is further equal to f dash c into a n minus bn minus n c n minus 1 f of a plus n c n minus 1 एफ ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो दिस इज फर्दर इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन यहां से ये यह कॉमन निकलता है एन ऑफ सी माइनस एन एन की पावर एन इन टू सी की पावर एन माइनस वन ये कॉमन निकला ब्रैकेट के अंदर आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो अब इसको चूप कर राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये आ गया एफ डैश सी इन टू ए की पावर एन मन बी की पावर एन इज इक्वल टू एन सी की पावर एन माइनस वन एन सी की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए तो एफ डैश सी ये तो कॉन्स्टेंट है साथ डेरिवेटिव के आ सकता है एन सी एन माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर ए एन माइनस बी एन राइट ये थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर दी मैंने यहाँ पे ये प्लस आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए उसके बाद ये फिर जब उधर जाएगा तो उधर जाके ये नेगेटिव बन जाएगा इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा फिर ये माइनस इधर एज इट इज आ जाएगा अब यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन निकाल लेंगे एफ़ ऑफ बी माइनस एफ़ ऑफ ए नीचे से माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया बी एन माइनस ए एन माइनस माइनस फिश हूँ तो ये आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर ये कांस्टेंट आ गया कोई यानी बी एन माइनस ए एन यानी ये एक पॉइंट का स्लोप है ठीक है ना वो ज़रूरी नहीं कि बी माइनस ए हो कुछ भी हो सकता है ज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए और डेरिवेटिव के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट भी आ सकता है तो ये है जी आपका जर्नलाइज मीन मीन वैल्यू थ्योरम विच इज इजनलाइज मीन वैल्यू थ्योरम जर्नलाइज मीन वैल्यू थ्योरम अच्छा उसके बाद फिर क्वेश्चन के अंदर था कि अगर एन नेगेटिव होगा तो क्या थ्योरम होल्ड करता है कि नहीं अगर एन नेगेटिव होगा तो भी ये थ्योरम जो है ये होल्ड करेगा ये जनरलाइज किया जा सकता है उस शर्त यह है कि उसके अंदर इस इंटरवल के अंदर ज़ीरो बिलोंग ना करता हो क्योंकि अगर जीरो बिलोंग करता होगा तो ये देखें ये हमने क्या किया है डिफ्रेंशिएट एन सी एन माइनस वन सी किसकी जगह पे पुट किया था एक्स की जगह पे तो ये एक्चुअली एक्स की पावर एन माइनस वन था ठीक है और अगर ये डिनोमिनेटर में चला जाए ये डिनोमिनेटर में जिस तरह है एफ़ डैश सी ये फिर बन जाएगा एफ डैश सी ओवर एन इंटू सी सी को सी एक्चुअली क्या है ये एक्स की जगह पे रखा था ना तो एक्स की जगह पे जीरो आ गया तो ये ज़ीरो आ जाएगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा ठीक है तो इसलिए अगर ज़ीरो बिलोंग करेगा तो ये थ्योरम होल्ड नहीं करेगा इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुई नीशलाज अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बर मेहरबानी पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपना ख्याल रखिएगा अगली वीडियो को इंतज़ार कीजिएगा अल्लाह हाफिज़